नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल अहमदाबाद वेजिटेबल मार्केट में। आज तारीख हुई है 4 जनवरी 2023। देखते हैं आज अहमदाबाद की होलसेल सब्जी मंडी में सब्जियों में क्या कुछ आज बाजार गया है। और दो तीन दिनों से अहमदाबाद में ठंडी बहुत गिर रही है, आज तो ठंडी के साथ पवन भी चला है। हरा प्याज है लोकल, इसमें बाजार हुआ है आज दिन में, अभी बिक रहा है 7 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये किलो। अच्छा माल 7-8 रुपये किलो बिक रहा है, और रात को बहुत VIP माल हो तो 8 से 9 रुपये किलो तक का बाजार था। हरा चना है, इसमें नीचे 35-36 रुपये मीडियम माल, थोड़ा सूखा मिक्स वाला माल से लेकर ऊपर बहुत VIP माल 38 रुपये किलो तक का बाजार है, 38 रुपीज़ पर केजी VIP। और बीट है, लोकल माल आ रहा है अभी, इसमें 13 रुपये नीचे से लेकर ऊपर अच्छा माल 15 रुपये किलो तक का बाजार है लोकल माल में। मूली है, ये मूली है लोकल माल, 10 से 12 रुपये किलो बिक रही है ये। और ये गाड़ी है राजस्थान की, ये मूली राजस्थान से आई है, 7 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रही है ये। और पालक है देखिए, इसमें 11 रुपये से लेकर ऊपर 12-13 रुपये किलो तक का बाजार है पालक में, पैक में 60-70 किलो का जो पैकिंग आता है उसका बाजार है 11 से 12-13 रुपये किलो तक, और कमीशन अलग लगता है, ये सब लोकल माल में। और ये मेथी है लोकल माल, 10 रुपये से 11 रुपये किलो तक का बाजार है इसका, बहुत VIP माल, सुपर क्वालिटी, 10 से 11 रुपये किलो। देखिए धनिया है, ये लोकल माल है, ये बिक रहा है 22 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो तक, 25-26 रुपये किलो। और जो ये लोकल माल अहमदाबाद के आसपास के गांव का आता है, ये बिक रहा है 25 रुपये से लेकर 30-32 रुपये किलो तक। और राजकोट है, ये अहमदाबाद के आसपास के गांव का है। भिंडी है देखिए, भिंडी में हुआ है आज बाजार 45 से 50 रुपये किलो नॉर्मल, और जो कली भिंडी आती है VVIP माल वो बिकता है 50-55 रुपये किलो, VVIP भिंडी 50-55 रुपये किलो। और ये सब माल में कमीशन अलग से लगता है, ये व्यारा की भिंडी आती है VIP जो गुजरात के अंदर आता है, लोकल है ये। और ये गवार है देखिए, गवार में हुआ है 55 रुपये नीचे से लेकर ऊपर 65 रुपये किलो तक का बाजार है, मांडवी का गवार है ये, मांडवी के गवार में। और जो व्यारा का गवार आता है वो बिकता है 50-55 रुपये से लेकर ऊपर 65-70 रुपये किलो तक का बाजार होता है, रात को 70 रुपये किलो तक, दिन में अभी बिक रहा है 60-65 रुपये किलो तक ऊपर, बहुत VIP, इसमें भी कमीशन अलग से लगता है। और देखिए हरी हल्दी है, बड़ी साइज में बाजार हुआ 25-28 रुपये किलो तक का बाजार हो गया है। और ये आंबा हल्दी है, मैंगो जिंजर, इसमें अच्छा माल 50-55 रुपये किलो तक का बाजार है, खैरगाम की आंबा हल्दी। परवल है खैरगाम से ही, कलकत्ती परवल 50-55 रुपये किलो। और गिलोड़ा है खैरगाम से, इसका भी चालू बाजार है 55 रुपये किलो। करेला है, ये भी बॉक्स पैकिंग वाला में बाजार हुआ है 30 रुपये से लेकर, बहुत VIP माल हो तो 32 रुपये किलो तक। और जो पन्नी वाला पैकिंग आता है करेले में, वो मीडियम माल होता है, 20-25 रुपये किलो वाला होता है वो। और रतालू है देखिए, ये गोल रतालू है देसी, बिकता है 42 रुपये किलो, 42 रुपीज़ पर केजी। और ये लंबा रतालू है, ये भी देसी है लोकल, ये बिकता है 65 रुपये किलो, 65 रुपीज़ पर केजी। दोनों लोकल है, दोनों में कमीशन लगता है। और गाजर है 13 रुपये से लेकर 14-15 रुपये किलो तक का बाजार है राजस्थान के गाजर में आज, बहुत VIP माल बिक रहा है 14-15 रुपये किलो। और तुरई है 40-42 रुपये किलो तक का बाजार है इसका, बहुत VIP हो तुअर तो, नीचे 35 रुपये किलो भी बिक रही है। ये आती है बम्बई से तो इसमें कमीशन नहीं लगता है।
शकरकंदे स्वीट पोटैटो 25-26 रुपए किलो इसका बाजार है, लोकल माल है। वीआईपी माल 26 रुपए किलो तक बिक रहा है। और सलगम है देखिए, बीट जैसा दिखता है ये सलगम, बिक रहा है 15-16 रुपए किलो, अच्छा माल 15 रुपए किलो तक बिक रहा है। कोला है देखिए, वाइट कोला, इसमें नीचे 20 रुपए से लेकर ऊपर 22-24 रुपए किलो तक का बाजार है। वीआईपी माल है ये पैक में, ये मीडियम माल है 20 रुपए किलो। आमला है 15 रुपए नीचे, ये पन्नी वाले 15 रुपए किलो बिक रहे हैं। और बहुत वीआईपी जो बिकता है, वीआईपी ये बिकता है 25 रुपए किलो तक, 20 से 25 रुपए किलो। भाव बोलो। नींबू है देखिए, 20 रुपए किलो से लेकर ऊपर बहुत वीआईपी माल 24-25 रुपए किलो तक का बाजार है। जो बिना डागी का माल आता है वीआईपी, वो बिक रहा है 25 रुपए किलो। तो ये जो नेट वाला बैग है, पीली नेट वाला, ये सब बिना कमीशन का है, और पन्नी वाला है ये लोकल माल आता है, तो ये कमीशन लगता है इसमें। कैप्सिकम मिर्ची है, शिमला मिर्ची लोकल माल, 13 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो तक का बाजार है इसमें आज। इसमें कमीशन अलग से लगता है क्योंकि सब लोकल माल है। और ये नींबू है, सीडलेस नींबू है देखिए, बड़ी साइज का होता है और इसमें सीड नहीं आता अंदर। ये भी लोकल माल है, बिक रहा है 8 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो, नॉर्मल नींबू से ये साइज देखिए आप। ये नॉर्मल नींबू है छोटा वाला, बड़ा वाला देखिए, साइज देखिए आप, हाइब्रिड होता है ये। और सितारा मिर्ची है, इसमें बाजार हुआ है 25-26 रुपए से लेकर 28 रुपए किलो तक का बाजार है आज सितारा मिर्ची में। और देसी मिर्ची बिक रही है 25-26 रुपए किलो। और साथ ही में ये ओमेगा मिर्ची है, 22 से 23-24 रुपए किलो तक बाजार है, अच्छा ओमेगा मिर्ची। नीचे 20 रुपए किलो भी बिक रहा है ओमेगा, मीडियम माल। वडवानी मिर्ची है देखिए, 16-17 रुपए नीचे से लेकर ऊपर 20-22 रुपए किलो तक का बाजार है ऊपर, बहुत वीआईपी माल। और फंसी है देखिए, ये भी लोकल आ रहा है अभी, 20 रुपए नीचे से लेकर ऊपर 23-24 रुपए किलो तक का बाजार है। G4 मिर्ची है, इसमें आज बाजार थोड़ा अप है क्योंकि माल की शॉर्टेज है। नीचे 32-35 रुपए से लेकर हल्का माल ऊपर 40 रुपए किलो तक बिक रहा है, दिन में अभी 40 रुपए किलो तक बिक रही है G4 मिर्ची, अच्छी। और बेंगलोर का अदरक है, इसमें 42 रुपए से लेकर ऊपर 45 रुपए किलो तक का बाजार है, जैसा माल वैसा भाव है। और इसमें कमीशन नहीं लगता, बेंगलोर से आता है, आउट ऑफ गुजरात से इसीलिए। और सेलम हल्दी है देखिए, 25 रुपए से लेकर ऊपर बिक रही है ये 27 रुपए किलो तक, बहुत वीआईपी माल। कच्चा पपीता है, 7 से 8 रुपए किलो बाजार हुआ है इसमें आज। इनको वीडियो में आना है आज, बोलते वीडियो में हमें नहीं लेते आप। तुअर है देखिए, ये चाइना तुअर है, 45 रुपए किलो का बाजार है इसका। और जो हाइब्रिड तुअर आती है पापड़ा, वो बिकी है 30 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो तक। और सुरती बैंगन है देखिए, इसमें बाजार हुआ है आज 25 रुपए से लेकर ऊपर 30 रुपए किलो तक का बाजार है भैया। और ये सेंडो बैंगन है, 20-22 रुपए किलो का बाजार है, 18 से 20-22 रुपए किलो सेंडो बैंगन। और ये पॉलिस्टर बैंगन है, 16 रुपए से लेकर 18-20 रुपए किलो तक का बाजार है, बहुत वीआईपी माल 18-20 रुपए किलो बिका है पॉलिस्टर बैंगन। कोला है कद्दू, इसमें हुआ है 5-6 रुपए किलो का बाजार। और भट्टा है देखिए काला वाला, 8 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक का बाजार है इसमें, जो बड़े काले भट्टे हैं 8 से 10 रुपए किलो। और फ्लावर है लोकल, 8-9 रुपए किलो से लेकर ऊपर 10-12 रुपए किलो तक का बाजार है, बहुत वीआईपी माल, रात को 11-12 रुपए किलो तक का बाजार है फ्लावर में। और कमीशन अलग से लगता है इसमें, लोकल माल है इसकी वजह से।